हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि डॉग का नेल्स कैसे काटा जाए। नेल्स काटने से काफ़ी सारे पेट ओनर्स, डॉग ओनर्स बचते रहते हैं और डॉग का नेल्स बढ़ते रहता है। वो ये सोचते हैं कि काटेंगे तो खून निकलेगा। इस घबराहट में वो डॉग का नेल काटते ही नहीं हैं। 6 महीने, साल भर में मेरे जैसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जाके उसे कटवाने का प्रयास करते हैं। तब तक जो है डॉग का नेल्स काफ़ी बढ़ के वो घूम के वो ऐसे करके वो पंजे में फंसा हुआ रहता है और काफ़ी दर्दनाक होता है डॉग के लिए, लंगड़ा भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉग्स का नेल्स काटा जाए। तो डॉग्स के नेल्स में काटने से घबराना नहीं चाहिए। अगर डॉग्स जैसे ब्लीडिंग होता है उसके लिए भी प्रोडक्ट है, जैसे सियोर क्लॉट है। मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सियोर क्लॉट एक पाउडर होता है, उसमें अगर डॉग्स में नेल्स में हो या कहीं भी हो ब्लीडिंग हो रहा है तो उसमें अगर लगा देंगे उस पाउडर को, तुरंत वो जो है क्लॉट कर जाएगा और वो ब्लीडिंग रुक जाएगा। अब आते हैं कि नेल्स काटा कैसे जाए। नेल्स काटने के लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है और किस हद तक काटा जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेल्स को जब भी काटेंगे तो एकदम सबसे अंतिम छोर पर काटेंगे पहले। उसमें देखेंगे, जैसे ही काटेंगे उसमें देखेंगे कि अंदर में एक सफ़ेद हिस्सा है। तो सफ़ेद हिस्सा है मतलब आपका सेफ है, जो है आपका ब्लीडिंग नहीं होगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा काटेंगे उसी डायरेक्शन में, अगर सफ़ेद हिस्सा फिर भी दिख रहा है तो समझिए अभी भी सेफ है। फिर थोड़ा सा डीप काटेंगे, ऐसे करते करते काटते काटते जब देखेंगे कि नहीं सफ़ेद हिस्सा जो है बीच का वो काला हो गया, उस वक्त आप स्टॉप कर जाएंगे, वो जो है खतरा है आगे। अब देखते हैं लाइव डेमो। कुत्ते को एकदम शांत रखिए और नेल कटर को उसके पैरेलल पकड़िए नेल्स के, उसके बाद काटिए। काटते हुए देखिएगा ये जो है काट रहे हैं और बीच में सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है ना, वो सफ़ेद जैसे ही काटते काटते ब्लैक हो जाएगा, वहाँ पर आप स्टॉप कर जाइए। यही मंत्र है, मूल मंत्र है नेल्स। उसके बाद डॉग्स का जो है नेल्स नहीं काटना है। नेल्स काटने के लिए सबसे शार्प वो लेंगे, क्या कहते हैं, नेल क्लिपर। एंडिस कंपनी का है, बढ़िया वाला होता है, ग्रिप होता है उसमें बहुत बढ़िया और शार्प होता है। शार्प कट से क्या होता है कि वो एक बार में कट जाता है, और अगर ब्लंट रहेगा, जैसे कम दाम का जो वो नेल क्लिपर होता है उसमें ब्लंट रहता है, तो उसमें जो है फिर वो उसमें पेन ज़्यादा होता है। वो क्या करता है, वो चीप देता है उसको, नेल्स को वो काटता नहीं है। एकदम काट अगर शार्प होगा तो उसमें उसके पेन नहीं होगा। मैं उसका भी लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कई एक अच्छे वाले नेल क्लिपर्स का भी मैं दे दूंगा और जो सस्ते वाले का भी दे दूंगा, उसमें घबराने की बात नहीं है।